हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि सीसेट 2021 के अंदर एग्जाम के अंदर आई हुई थी। दैट मीन्स कि आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअल में आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। इससे पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करूं, सभी ने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। सभी शेयर करेंगे जल्दी से। हाँ जी, अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी शेयर कर दीजिए। करें फिर स्टार्ट। अब देखिए, मैं कह रही हूँ सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड। सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को आपने समझना है, उसके बेस पे आपने देखना है कि इक्वेशन में के अंदर इसको अंदर कन्वर्ट करें या फिर हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आप सिर्फ ऑप्शंस के बेस पे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मीन्स कि एक तरह से लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, अब देखिए यही क्वेश्चन है। जैसे क्या है, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चन का एक टेस्ट है। क्या है, 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मींस अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो, इन दैट केस आपके नेगेटिव मार्किंग के अंदर 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. What is the number of incorrect responses? अब ये question दोनों तरह से आ जाता है, ऐसे भी आ जाता है कि हाँ जी करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बताने या फिर इनकरेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या बताना, इनकरेक्ट कितने थे। अब देखें, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि होता एक्चुअल में यही है। रियल लाइफ के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। रियल लाइफ का कैसे, कि जब आप एग्जाम देते हो तो उसके अंदर आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कुछ आपके नेगेटिव मार्किंग के अंदर नंबर जो है डिडक्ट हो जाते हैं, कुछ जो आपके करेक्ट आंसर हैं उसके आपके नंबर ऐड हो जाते हैं। ओके, तो अब इसमें भी यही है। अब टोटल उसने कहा 90 क्वेश्चंस है, 90 क्वेश्चन है। कंसेप्ट को एक बार समझ लो, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं एग्जाम के अंदर। ये सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए, अब 90 के अंदर से मैं अगर कंसिडर करूँ कि भाई जो करेक्ट है, करेक्ट कितने हैं, एक्स है। ओके, दैट मीन्स कि रोंग कितने हो गए आपके पास में। हाँ जी, रोंग कितने हो गए, 90 माइनस एक्स हो। ये पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल आराम आराम से समझाऊंगी, एक एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगी। ओके, अब देखिए क्या कह रहे कि 5 मार्क्स किसके मिल रहे हैं, करेक्ट के। दैट मीन्स कि कितने मार्क्स हो गए, 5x हो गए, 5x आ गए। अब डिडक्ट हो रहे किसके, रोंग के, कितने, 2 मार्क्स। तो अब यहां से 2 मार्क्स रोंग कितने हैं, 90 माइनस एक्स क्वेश्चंस रोंग है, और टोटल कितने मार्क्स आए उसके, 387 मार्क्स हैं। क्लियर, अब देखिए इसको आप सोल्व कर लो। दिस इज 5x माइनस 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 387। दिस विल बी 7x इज इक्वल टू 180। इधर आके ऐड हो गया, ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7, 8, 8 एंड 16, 4 एंड 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ जी 81। दैट मीन्स कि 90 के अंदर से 81 क्वेश्चंस क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, अब 90 माइनस एक्स कितने हो गए, 90 माइनस 81, दैट मीन्स कि 9 क्वेश्चंस क्या हो गए, रोंग हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन है देयर आर टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 20 एंड 30 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। इन क्लास ए हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोवेस्ट स्कोर इज 17। इन क्लास बी द हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोवेस्ट इज 22। 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू बी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था आपके पास में कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 4 इसके अंदर मूव कर गए हैं तो एवरेज फाइंड आउट करो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन, बट डायरेक्ट नहीं है। इसके अंदर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और आपसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट से बताओ कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप कहोगे कि हाँ जी मैडम एवरेज का पॉइंट आ रहा है, दैट मीन्स कि तो एवरेज का क्वेश्चन है, नहीं लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो कैसे, अब उसने कहा 2 क्लासेज है हमारे पास, एक क्लास है ए, ठीक है, एंड दिस इज क्लास
बी। अब ए क्लास के अंदर क्या कह रहा है, 25 स्टूडेंट्स है ओके, और बी के अंदर 30 स्टूडेंट्स है। इन क्लास ए द हाईएस्ट स्कोर इज 21 एंड लोवेस्ट इज 17, दैट मीन्स कि जो स्कोर है दैट इन 17 टू 21। और बी के अंदर क्या है, हाईएस्ट स्कोर इज 30 एंड लोवेस्ट इज 22, दैट मीन्स कि कहां तक लाई कर रहा है, 22 से 30 के बीच में लाई कर रहा है ओके। अब यहां पे देखिए क्या कहा गया आपको कि 4 स्टूडेंट्स आर शिफ्टेड फ्रॉम क्लास ए टू क्लास बी, इस क्लास से इस क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट शिफ्ट हो गए। कितने स्टूडेंट शिफ्ट हो गए, 4 स्टूडेंट शिफ्ट हो गए। अब जब स्टूडेंट शिफ्ट हो गए हैं तो उसमें आपसे पूछा गया कि अब बताओ कि एवरेज डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी ओके। अब यहां पे देखिए कि जिसका हाईएस्ट स्कोर है वो भी इससे क्या है, लेस है। जब यहां पे 4 स्टूडेंट इसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, अब वो 4 स्टूडेंट्स उनके जो स्कोर है वो कितना भी हो सकता है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, बट 22 से तो लेस ही होगा ना, लेस देन तो 22 ही होगा। दैट मीन्स कि जो इसकी एवरेज है वो क्या रहेगी, एवरेज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। एवरेज क्या होती है, टोटल करोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पे एवरेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ये 4 स्टूडेंट शिफ्ट हो गए, ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गए। पॉइंट इज क्लियर। डिक्रीज क्यों हो रही है, डिक्रीज इसलिए हो रही है बिकॉज यहां पे सारे स्टूडेंट्स का स्कोर इनके स्टूडेंट से क्या है, लेस है। देन हां, अगर यहीं पे अपने पास में एक बात और पॉइंट यहां पे समझाती हूं मैं, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, अभी साथ में ही एक और पॉइंट समझो कि अगर यहीं पे अपने पास में होता 32 टू 40, अब क्या होता, अब देखो इसके सभी स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो इससे ज्यादा है, अब अगर शिफ्ट होता तो क्या हो जाता, वो इंक्रीज हो जाता, बट हमारे पास में क्या है, सारे का सारा लेस है, इसलिए क्या हो जाएगा, उधर डिक्रीज हो जाएगा ओके। अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास में, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज, बिल्कुल सही है ओके। सेकेंड पॉइंट इज द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, कह रहा है ए का स्कोर जो एवरेज है वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मान लो मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके जो मार्क्स आए हैं, मार्क्स कितने थे, 17 से 21 थे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से कौन से स्टूडेंट्स ने शिफ्ट किया है, अब मान लीजिए यहाँ पे जो लास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी तो हो सकता है जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 20, 21 इस तरह से हो, ठीक है 21, 20, मान लो ये 4 स्टूडेंट शिफ्ट कर गए, अगर ये चारों स्टूडेंट्स उधर शिफ्ट कर गए उस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स थे 17, 18, 17, 19 ऐसा जो कुछ मार्क्स थे, अगर वो स्टूडेंट्स इधर शिफ्ट कर गए तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ओके। दैट मीन्स कि हम डेफिनेटली कह नहीं सकते, हम करेक्टली नहीं कह सकते कि यहां पे इसका स्कोर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर बोथ डिक्रीज एंड इंक्रीज ओके। तो ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया ओके। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है, फर्स्ट। आई होप पॉइंट क्लियर है सभी को, बिल्कुल क्लियर है, कोई इसके अंदर डाउट हो, हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट आ रहा हो इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन 2021 का क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास। क्या है क्वेश्चन, ए बॉय प्लेज ए बॉल, प्लेज विद ए बॉल एंड ही ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5। अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर काफी कंफ्यूजन थी लोगों को। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या है, ए बॉय प्लेज विद अ बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5। अब यहां से हम अगर मैं मान के चलूं दिस इज ग्राउंड ओके, और ये जो हाइट है दिस इज 1.5। अब यहां से उसने बॉल ऐसे नीचे ड्रॉप कर दी, मान लो मेरे पास में बॉल है, मैंने ऐसे नीचे ड्रॉप कर दी ओके। हाँ जी, 1.5 मीटर एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड, सीधी सी बात है, जब यहां से बॉल नीचे जाएगी तो यहां पे ग्राउंड पे हिट करेगी, इट बाउंस बैक टू अटेन ए हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। बट जब नेक्स्ट टाइम जब वो ऊपर बाउंस करेगी तो वो कहां तक जाएगी, पूरा नहीं जाएगी, क्या कितनी जाएगी उसकी, 4/5 जाएगी ओके।
The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. But अगर जो previous height है 50 centimeter से कम हो जाती है तो फिर ball bounce नहीं करेगी. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? तो बताओ कि नीचे कब दोबारा से bounce कब नहीं करेगी, उससे पहले कितनी बार hit करेगी ground को. अब यहाँ पे important question है, यहाँ पे ध्यान रखना. देखो क्या है, उसने कहा है कि पहली बारी कहाँ कितनी दूरी से बाउंस किया, उसको जो ऊपर से जब नीचे गिराया है ड्रॉप किया है तो उस टाइम पे कितनी हाइट से ड्रॉप किया है 1.5 मीटर. अब 1.5 मीटर सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट मींस कि कितना हो गया आपके पास में 150 सेंटीमीटर. ओके, अब जो 150 सेंटीमीटर है 150 सेंटीमीटर से नीचे आई, अब नेक्स्ट टाइम कितना जाएगा 4/5. उसने क्या कहा 4/5 हो जाएगी, कितना हो गया दैट मींस कि 120. कितनी हाइट तक गया 120 तक. जब 120 है उसने कहा जब तक 50 से लेस नहीं होती तब तक वो बाउंस करेगी बोल, ठीक है. तो जब 120 से नीचे आई दैट मींस कि दोबारा से बाउंस करेगी. ओके, मान लीजिए ये यहां तक पहुंच गई. ओके, अब जब यहां पे है 120 से, अब देखो कि कितनी हाइट तक जाएगी, ये ऊपर कितनी हाइट तक जाएगी 4/5 ऑफ 120. ओके, कितना हो गया आपके पास में 96. क्लियर, कितना आ गया 96. देन अब 96 अगेन क्या है 50 से ग्रेटर है, 50 से ग्रेटर है दैट मींस कि दोबारा से बाउंड बॉल ऊपर जाएगी. अब फिर कितनी हो जाएगी, फिर दोबारा से 4/5 हो गई है. 4/5 हो गई है तो कितनी होगी आपके पास में, हाँ जी फर्स्ट टाइम कितना था बेटा 150, देन 120, फिर 96, 96 से फिर नीचे कितना है फिर 4/5 हो जाएगी, 96 का 4/5 करें. अब बात आ रही है कि हाँ जी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अब ऐसे नहीं करना कि पहले इसको 4 से करो पॉइंट में वैल्यू आएगी, ठीक है ना. अब यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, नहीं जब 5 से डिवाइड करना है इससे अच्छा सीधा क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सीधा मल्टीप्लाई कर दो. दैट मींस व्हाट कि सीधा यहाँ पे इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो. आप जब 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद में एक पॉइंट लगा दो सिंपल. तो अब जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास में 8 × 48, ठीक है. और ये हो गया बेटा अपने पास में 8 × 72, 72 = 76. एक मैंने पॉइंट बताया, पॉइंट क्यों का, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसकी बजाय हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, एक ही बात है. तो आपको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा. एक तो तरीका ये हो गया कि आप क्या करोगे कि इसको पहले 5 से डिवाइड करोगे पॉइंट में वैल्यू आएगी फिर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसे करोगे पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 5 से डिवाइड करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा. तो यहाँ पर आप इसको सीधा क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे और एक पॉइंट शिफ्ट कर दोगे. ओके, अब देखिए अगेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, तो फिर दोबारा से जैसे ये यहाँ पे पहुंची है उसके बाद में दोबारा से बाउंस करेंगे. कितनी हो गई अगेन 4/5 जाएगा, 4/5 जाएगा 78.8 का कितना हो गया 4/5. अगेन 4/5 करना है तो मैं क्या करूंगी, हाँ जी पॉइंट में वैल्यू आ रही है डायरेक्टली 5 से डिविजिबल नहीं है, क्या करेंगे हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा. 8 से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपके पास में 8 × 8, ठीक है. और फिर आपके पास में 6, ये हो गया आपके पास में 8 × 48, 48 और 6. अब मैंने क्या कहा एक पॉइंट भी शिफ्ट करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक था अब एक पॉइंट के बाद हो रहा है. ओके क्लियर, अब अगेन दिस हाइट इज ग्रेटर देन 50, तो अब क्या करेगा दोबारा से बॉल बाउंस करेगी, यहाँ पे पहुंच गई. कितनी हाइट तक जाएगी फिर 4/5 जाएगी, अब फिर 4/5 जाएगी तो अपने पास में वैल्यू क्या आ गई 61.44 × 4/5. अगेन अभी मैंने आपको क्या बताया क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई करो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया अपने पास में 8 × 32. ओके 49.152, एक पॉइंट भी शिफ्ट करना है क्योंकि 10 से हम डिवाइड भी करेंगे ना. ओके, अब ये जो हाइट है ये कितनी है लेस देन 50 है, दैट मींस कि इसके बाद जब बॉल नीचे आई तो अब उसने क्या करा, हाँ जी दोबारा से ऊपर नहीं जाएगी बाउंस नहीं करेगी. ओके, अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि कितनी बार नीचे टच करेगी. अब देखो कितनी बार टच किया उसने, अब यहां से एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच और छह,
टच तो किया है ना नीचे, उसने ये नहीं कहा कितनी बार बाउंस करेगी, उसने कहा कितनी बार टच करेगा, टच करेगा। अब इसके बाद जब ऊपर जाएगी नहीं तो नीचे कैसे टच करेगी। ओके तो कितनी बार टच किया, सिक्स टाइम्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सिक्स टाइम्स। मैंने समझाया इसलिए टाइम लग गया आपको, इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1/4, 4/5 करके देख लो कि कितनी बार जा रहा है। ओके क्लियर, बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो। दिस वॉज सिंपल क्वेश्चन बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रोंग करके आए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एग्जाम के अंदर रोंग करके आए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी कंफ्यूजिंग था, काफी स्टूडेंट्स इसके अंदर कंफ्यूज थे। मैं कह रही सिंप्लीफिकेशन के लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपके डेली लाइफ से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा सराउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, फ्रॉम January 1, 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे ऑफ ईयर इज 80+0.1 m। mth डे मींस फर्स्ट डे m की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड डे m की वैल्यू 2, थर्ड डे 3। ओके तो यहां से आपके पास में एक इक्वेशन गिवन है, वेयर एज m इज इक्वल टू 1 to 3 to 100 एंड देयर आफ्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। कह रहे कि जो m की वैल्यू वो 100 तक गई और उसके बाद 100 डे के बाद क्या हो गई है, वो कॉन्स्टेंट हो गई। क्लियर, पेट्रोल के लिए प्राइस उसने क्या कहा है, ध्यान से समझ लीजिए, कितना 80+0.1 m और m की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके आपकी 100 तक और उसके बाद में क्या है, कॉन्स्टेंट। डन, इसका मतलब क्या है कि 100 तक ही जाएगा, उसके बाद में वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, जो भी वैल्यू लास्ट होगी वो किस पे जाएगी, 100 पे। ओके तो अब अगर हम आगे देखते हैं तो कह रहा है ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल इन रुपीज पर लीटर ऑन nth डे ऑफ 2021 इज 69+0.15 n। डीजल के प्राइस क्या कह रहा है वो, हाँ जी डीजल के प्राइस क्या कह रहा है, और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो भी डे है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो भी डे होगा वो n की वैल्यू रहेगी। ओके नाउ द क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इन ईयर 2021 आर द प्राइजेस ऑफ दीज टू फ्यूल्स इक्वल। कह रहा है कि किस दिन दोनों का प्राइस इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि मई तक का टाइम दे रखा है, दैट मीन्स कि मई तक तो हम इसको लेके ही चलेंगे क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन मई में है। अब देखिए, अब अगर हम पेट्रोल की बात करें तो लास्ट 100 डेज पे, 100 पे इसका प्राइस कितना रहेगा, तो अगर हम मई तक देखें टाइम तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, जनवरी के बेटा 31, फरवरी के 28, देन 31 एंड 30, सभी को आप ऐड करते हो, ऐड किया कितना आ गया आपके पास में 120 डेज। दैट मींस कि लास्ट अप्रैल तक खत्म, जब अप्रैल ओवर हो गया आपका तो 30th अप्रैल को प्राइस कितना हो गया, तब 120 डेज के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करोगे। और 120 डेज के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ बेटा पेट्रोल की, तो पेट्रोल का प्राइस 120th डे पे क्या होगा, 1 अप्रैल को क्या होगा, 30th अप्रैल को क्या होगा, 120th डे। अब उसने कहा कि 100 के बाद में प्राइस कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, दैट मींस कि हम तो सिर्फ 100 तक ही करेंगे, 100 के बाद ये 101 हो, 2 हो, 120 हो, 140 हो, 170 हो, कोई, इट डजंट मैटर, दैट मींस कि हमने सिर्फ क्या देखना कि प्राइस कितने भी जाएगा 100 पे, इंटू 100 दैट मींस कि 90 रुपीज हो गया उसका प्राइस। क्लियर, 100th डे पे, 100th डे पे कितना है 90, ठीक है, 101st डे पे 90, 120th डे पे 90, 129th डे पे 90, 140th डे पे 90, मींस कि ये तो अपना फिक्स हो गया। ओके अब हम अगर हम बात करते हैं, अब हमने चेक करना है कि 90 रुपीज डीजल का प्राइस कौन से डेट को होगा, डीजल का प्राइस 90 रुपीज कौन से डेट को होगा। तो अब देखो अगर हम डीजल की बात करें, तो अब डीजल के अंदर उसने क्या कहा, 69
प्लस 0.15 n। अब n की वैल्यू आपको देखनी है। अब देखो 120 डेज तो बेटा ये हो गए अप्रैल तक के, ठीक है। उसके बाद मई की देखो, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 0.15 से, दैट मींस कि अगर हम ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, दैट मींस कि 90 नहीं आ सकते, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन में इवन ऑप्शंस दो हैं, एक है 20th में, एक है 18th में। इनको हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम 20th मई को कंसीडर करते हैं तो 20th मई को नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, 120 डेज तो ये प्लस 20 डेज ये कितने हो गए बेटा, 140 डेज हो गए। 140 डेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइस कितना बनेगा, 69 प्लस 0.15 इंटू 140, ओके कितना हो गया 69 प्लस 21, दैट मींस कितना हो गया आपके पास में 90। हाँ जी, ये भी 90 था, ये भी 90 था, तो क्या आएगा आपके पास में 20th में। दोनों का आप चेक कर सकते हो, 18th को या फिर 20th को, ये बाकी के तो डेज बन ही नहीं सकते आंसर, बिकॉज वो तो ओड है, ओड के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट्स में वैल्यू आएगी और हमें कितना चाहिए 90। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, यस 20th मे विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर है सभी को। देखो बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट समझा रही हूं मैं आप लोगों को, इतनी डिटेल में क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि एग्जाम में कैसे करना है। डन, लिखना इतना नहीं है आपने, सोल्व करना है सिंपल कि हाँ जी जैसे ये है, इसने जैसे कहा कॉन्स्टेंट, तो पॉइंट है मुझे यहाँ पे क्या पता चला कि भाई 90 रुपीज मुझे टोटल करना है। दोनों को इक्वल करने के लिए डीजल का प्राइस 90 करना है, डीजल का प्राइस 90 कब होगा, हाँ जी मे की डेट्स दे रखी है, मे के अंदर भी यहाँ पे 0.15 है, दैट मीन्स कि ओड डेट नहीं हो सकती, क्योंकि ओड डेट्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे दो डेट्स हैं इवन, कौन सी, एक 20th में है, एक 18th में है। 18th में से आप करोगे अगेन 90 नहीं बन रहा, फिर आप 20th से चेक करो तो 90 बन रहा है, ओके आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट ए लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल बाद डबल हो रहा है, हर 12 साल बाद क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ ईयर 2021 वाज एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स, इफ पी प्रेजेंट द पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मॉडल ऑफ द क्लास फॉर द पॉपुलेशन। अगेन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। अब ध्यान रखो जब भी डबल डबल की बात हो रही है, दैट मीन्स की देखो मैं कह रही हूँ डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वैल्यू ले रही हूँ मैं, हाँ जी 12 ईयर के बाद में कितना हो रहा है, डबल डबल हो रहा है, उसने यही कहा। तो 2 अगर पहली बार देखेंगे हम तो 2 raised to power 1 डबल हो गया। अब उसके बाद मान लेते हैं हम कि पहले 1 था तो 12 ईयर के बाद में कितना हो गया डबल, दैट मीन्स कि 2। अब अगेन 12 ईयर्स के बाद फिर डबल होगा, डबल हो गया, दैट मीन्स कि 2 raised to power कितना हो गया हमारे पास 2 4, 2 का डबल, ओके okay, यहाँ पे क्या था 1 का डबल, अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि भाई 1 है तो 1 का डबल हो जाएगा, अगली बार 2 हो गया, अब 2 का डबल 4, अगली बार क्या हो जाएगा नेक्स्ट, अगर मैं 12 ईयर देखूँ तो फिर दोबारा से डबल हो रहा है, तो 4 का डबल कितना हो गया आपके पास में, 4 का डबल कितना हो गया आपके पास 8, दैट मीन्स कि 2 raised to power 3, अगली बार फिर उसका डबल दैट मीन्स कि 8 into 2, दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास में 2 raised to power 4 16, ओके मीन्स क्या हो रहा है हर 12 ईयर्स के बाद में डबल हो रहा है, मीन्स की पावर क्या जा रही है 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power, बट ये 12 में क्या, ये 1 जो है 1 किसके लिए कर रहे हैं हम, 12 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 1 की तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे उसने क्या कहा 12 ईयर्स, अगर 12 ईयर्स है तो 1 ईयर का अगर मैंने कंसिडर करना है तो 1 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 2 raised to power, हाँ जी n by 12, 2 raised to power n by 12। अब यहाँ पे हम वैल्यू कंसीडर कर रहे थे, हमने कहा कि स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है 1, बट यहाँ पे अपने क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी है 50 एनिमल्स है, दैट मीन्स कि फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, पहले कितना था 50 और हर बार क्या हो रहा है डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 2, ऊपर क्या करेंगे ने क्या कहा हर 12 साल के बाद डबल हो रहा है, तो 12 साल का पहले हमें एक साल कंसीडर करना है, तो क्या करेंगे हम n by 12, सो दिस विल बी द एग्जैक्ट मॉडल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
आई होप क्लियर है सभी को, ओके नेक्स्ट देखिए, जब भी डबल ट्रिपल, हाँ अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट समझो, अगर इसी क्वेश्चन में कहता है कि वो ट्रिपल हो रहा है हर 12 साल के बाद, मींस मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वैल्यू मल्टीपल हो रही है, मल्टीपल हो रही है, तो वहां पे भी आपने ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे देखिए बेटा, जब मल्टीपल कह रहा है तो उस केस में क्या करोगे, जो यहाँ पे वैल्यू है जितनी मल्टीप्लाई, अगर इसने कहा है कि डबल हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया, टू। अगर वो कहता है ट्रिपल हो रही है फिर हम क्या कहते हैं, 50 इंटू 3 रेज टू पावर n बाई 12। यहाँ पे अगर 12 ईयर्स की बजाय 1 ईयर होता, आफ्टर ईच ईयर होता, तो हम ये 12 नहीं आता, आपका सीधा आंसर आ जाता 3 रेज टू पावर n। ओके नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे सभी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन 7 डेज का फ्री ट्रायल आप लोगों को मिल रहा है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, जय एंड विजय स्पेंट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाई सम पेन्स एंड सम स्पेशल पेंसिल ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। सिंपल क्वेश्चन है, डेली लाइफ का पेन पेंसिल खरीदनी है, कह रहा है कि जय एंड विजय दोनों ने इक्वल इक्वल अमाउंट स्पेंड करी है। अगेन 2021 का क्वेश्चन है बेटा, ओके, बाय सम पेन्स एंड स्पेशल पेंसिल ऑफ सेम क्वालिटी, मींस जय के पास भी सेम क्वालिटी की पेन और पेंसिल है और विजय के पास भी सेम क्वालिटी की है। इफ जय बोट्स 3 पेन्स, जय ने क्या किया है, 3 पेन्स प्लस 5 पेंसिल खरीदिए, ठीक है, और उसने कितने अमाउंट पे करी, एन अमाउंट पे कर दी, ओके। उसके बाद कह रहा है एंड विजय बोट 2 पेन एंड 7 पेंसिल, विजय ने क्या किया है, 2 पेन प्लस 7 पेंसिल, और इसने भी कितना पैसा लगाया है, सेम पैसा लगाया, तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे आपके पास में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट उसमें से करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला पॉइंट है कि इसने क्या किया, लॉजिकली सोचो, इक्वेशन सॉल्व करने के, इक्वेशन के बना के भी इसको कर सकते, लॉजिकली सोचो, बट देखो इसने क्या किया, 3 पेन खरीदे, बट इसने कितने पेन खरीदे, 2 पेन खरीदे, दैट मीन्स कि 1 पेन कम खरीदा, दैट मीन्स कि इसने 1 पेन लेस लिया। अगर इसने 1 पेन कम किया, दैट मींस कि जो 1 पेन की कीमत की उसने क्या ले ली, पेंसिल ले ली। इसने 5 पेंसिल ली थी तो इसने कितनी पेंसिल ली है, 7 पेंसिल ली है, दैट मींस कि 2 पेंसिल इसने ज्यादा ले ली। ज्यादा ले ली मींस क्या है कि 1 पेन की कीमत किसके बराबर है, 2 पेंसिल के बराबर है। सिंपल है, देखो दोबारा बताते हैं, इसने 3 पेन लिए, जेने 3 पेन लिए, बट इसने कितने पेन लिए, 2 पेन लिए, दैट मींस कि इसने 1 पेन कम लिया, ठीक है। अब जिसने 1 पेन कम लिया, पैसे तो दोनों ने बराबर लिए, तो जो उसके पास में उस 1 पेन के पैसे थे, उसने क्या खरीदा है, पेंसिल खरीदी है, तो कितनी पेंसिल एक्स्ट्रा खरीदी, इसने 5 लिया तो इसने 7 लिए, दैट मींस कि इसने 2 पेंसिल्स और लिए, तो 1 पेन की कीमत किसके बराबर होगी, 2 पेंसिल के इक्वल होगी। ओके यहां से ये कंक्लूजन निकला। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, क्या कह रहा है, ए पेंसिल कॉस्ट मोर देन ए पेन, कह रहा है पेन की जो कॉस्ट है, पेंसिल की जो कॉस्ट है, दैट इज ग्रेटर देन पेन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पेन की कॉस्ट 2 पेंसिल के बराबर है, दैट मींस कि पेन की कॉस्ट ज्यादा है, दैट मींस कि ये तो गलत हो गया। ओके नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, अब यहाँ पे हमने देखा दोनों के प्राइस इक्वल नहीं है, दैट मींस कि ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, पेन का प्राइस पेंसिल से डबल है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। डन, एक बार थर्ड और पढ़ लेते हैं कि द प्राइस ऑफ पेन इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, अब 3 टाइम्स नहीं है 2 टाइम्स है, दैट मींस कि ये भी रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द विलेजर ऑफ ए सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेस, 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टीवेट पैडी। अब सभी के बारे में डिटेल्स दी हुई है और उसके बाद में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो जो भी डिटेल है उसको आप नोट डाउन कर लो एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पे हाफ ऑफ द विलेजर ऑफ सर्टेन विलेज हैव देयर ऑन हाउसेस, अपने खुद के घर है। अब
पहले हम टोटल नंबर ऑफ विलेजर कंसीडर कर लेते हैं, कितने कंसीडर करें, 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं विलेजर की, हमने कहा कि भाई टोटल कितने हैं, 100 विलेजर्स हैं, 100 के अंदर से उसने कहा है कि उनके खुद के घर कितने के हैं, हाफ हाफ, दैट मीन्स कि 50 के ओन हाउसेस कितने के हैं, 50 के हैं, नॉट ऑन हाउसेस वो कितने हो गए आपके पास में 50। ओके सेकंड स्टेटमेंट क्या है, 1/5 ऑफ द विलेजर कल्टीवेट पैडी, 1/5 ऑफ द विलेजर, टोटल विलेजर की बात हो रही है, टोटल विलेजर कितने थे अपने पास में 100, इसके अंदर से कल्टीवेट पैडी कितने हैं, क्या कह रहा है, 1/5 किसका, टोटल का, टोटल का मतलब 100, दैट मींस कि कितना हो गया आपके पास में 20। ओके तो ये कितना हो गया हमारे पास में 20 कल्टीवेट पैडी, नोट कल्टीवेट पैडी कितना रिमेनिंग, डन। तीसरा क्या, 1/3 ऑफ द विलेजर आर लिटरेट, 100 थे, 100 के अंदर से लिटरेट कितने हैं 1/3, दैट मींस कि 33.3 क्या है, लिटरेट है। ओके 1/3, और नॉन लिटरेट जो है, इलिटरेट जिसको आप बोलते हो, वो कितने हैं 66.7। ओके अब आप कहोगे कि हां जी विलेजर्स पॉइंट में कैसे आ गए बेटा, क्योंकि हमने वैल्यू 100 ली है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ओके अब आगे क्या कह रहा है, 4/5 ऑफ द विलेजर आर अंडर 25 ईयर्स, अंडर 25 ईयर्स, अंडर 25 ईयर्स कितने हैं 4/5, टोटल कितना था आपके पास 100, कितना हो गया 80, दैट मींस कि अंडर 25 कितने हो गए हमारे पास में 80। ओके अबाउ 25 कितने हो गए आपके पास में 20, यही है स्टेटमेंट, देखो सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अब उसके बाद में कह रहा है कि बताओ विच स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट, कौन सी करेक्ट होगी, तो यहाँ पे देखिए ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ऑन हाउसेस आर लिटरेट, कह रहा है कि सारे के सारे जिनके पास में घर है वो लिटरेट है। अब हमने देखा कि अपने पास सबके पास घर कितने थे, 50 लोगों के पास घर थे, और लिटरेट कितने, लिटरेट तो सिर्फ 33.3 है, दैट मीन्स कि सभी लिटरेट नहीं है, सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर ऑफ एज आर लिटरेट, कह रहे कि जो अंडर 25 है, अंडर 25 कितने हमारे पास में 80 है, कह रहे कि उसमें से कुछ लिटरेट हैं, तो इसमें से हमने देखा कि लिटरेट कितने थे 33 पॉइंट, तो दैट मीन्स कि 80 के अंदर से, 80 के अंदर से अगर हम ये भी मान के चले कि भाई 20 जो है ये अबाउट 25 है, अब अबाउट 25 अगर हम कंसिडर करके चलते हैं तो भी यहाँ पे वैल्यू कितनी है 33.3 है, दैट मीन्स कि कुछ तो फिर भी आ ही रहे हैं, That means कि ज्यादा, तो यहां पे क्या हो गया कि ये अपना करेक्ट हो गया, क्लियर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार बाकी के भी एक बार मैं चेक करवा देती हूँ आपको, क्या है, ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पैडी आर लिटरेट, कह रहे कि सिर्फ जो आधे लोग हैं जो कल्टीवेट करते हैं पैडी वही लिटरेट है। अब यहां पे देखो अगर हम कल्टीवेट पैडी वाले देखते हैं तो कितने हैं 20, ठीक है, इसके अगर हाफ करेंगे तो कितने हो गए 10, कह रहे सिर्फ यही लिटरेट है, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं लिटरेट कितने हैं, लिटरेट तो 33.3 है, दैट मींस कि ज्यादा लिटरेट है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपके पास में, और इनके बारे में तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे, नो विलेजर अंडर 25 ईयर ऑफ एज हैज देयर ऑन हाउसेस, कह रहे कि जो भी अंडर 25 ईयर्स हैं कितने हैं 80, कह रहे कि उनके पास किसी के पास घर नहीं है। अब यहाँ पे 80 लोग जो है वो कितने हैं अंडर 25 ईयर्स है, बट घर तो 50 लोगों के पास है, दैट मींस कि ऐसा नहीं हो सकता कि घर नहीं है, अगर हम पूरे के 50 इनको नेग्लेक्ट भी करते हैं तो भी 30 पीपल रह जाएंगे। ओके तो यहाँ पे हमारे पास में ये भी रॉन्ग हो गया। ओके सभी को क्लियर है, बताइए किसी को कोई भी इसके अंदर डाउट आ रहा हो, किसी को इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहा हो, क्लियर। हाँ जी एक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे अभी हमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं तो उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये 2021 का नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है। देखिए अब ये क्वेश्चन एक बार खुद से सभी ने सॉल्व करने की कोशिश करनी, सभी ने खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी, कर लेंगे सभी, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ जो कि 2021 के अंदर आया हुआ था, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क, और सभी ने क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, आंसर आना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि कितना समझ आ रहा है, कितना आप लोगों को समझ आ रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं स्लो करवा रही तो भी आप कमेंट कर सकते हो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि फास्ट है थोड़ा सा और स्लो कराया जाए तो भी देख लेंगे। ओके क्लियर,
अब जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स सी सेट का हमने शुरू किया है, जिसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा। उसका 7 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके अलावा आपकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल है। तो आपने 7 डेज ट्रायल को सभी ने ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सभी ने ज्वाइन करना है। इसके अलावा टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक भी अवेलेबल है, आपने उसको भी ज्वाइन करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।